28 फरवरी 2024 यदि वार की बात की जाए तो बुधवार आज सरसों के बाजारों में स्टेबिलिटी सी देखने को मिली है। भाव की चर्चा कर लेते हैं, उससे पहले आवकों को जानेंगे। आवक लगभग 9 लाख बैग की रहती हुई नजर आई। कच्ची घानी के भाव जयपुर की यदि बात की जाए तो कच्ची घानी 101 रुपए के बाजार मनते हुए नजर आए और खड़ 25 रुपए तेज हो के साथ 2550 रुपए के बाजार रहे। जयपुर 5400 रुपए प्रति क्विंटल मील डिलीवरी के सौदे होते हुए नजर आए। अब यदि हम बात करें और बाकी मंडियों की तो भरतपुर मंडी 5081 रुपए पुरानी सरसों और 4980 रुपए नई सरसों के बाजार रहे। दूसरी ओर खैरदा मंडी के बाजार 5000 रुपए पर रहते हुए नजर आए। खेरली मंडी 5081 पुरानी सरसों के बाजार और 4980 नई सरसों के बाजार रहते हुए नजर आए। यदि हम बात करें उसके अलावा टोंक की तो टोंक में मिल टोंक 5100 रुपए के ऊपर 5000 के ऊपर और निवई 5020 के ऊपर कामकाज करती हुई नजर आई। यदि हम बात करें कोटा 12 की तो 12575 रुपए 5211 रुपए ऊपर में बढ़िया क्वालिटी का माल बिकता हुआ नजर आया। यदि हम बात करें कोटा की तो 5100 और 5200 के बीच में बाजार रहता हुआ नजर आया। वहीं बात करें दादरी 5300 रुपए, भिवानी 5250 रुपए, सिवानी 5200 रुपए, रेवाड़ी 5000 से 5100 रुपए तक बिकती हुई नजर आई। यदि उसके अलावा हम बात करें और मंडियों की यदि हम बात करें तो वहीं आदमपुर में 4942 रुपए सरसों के बाजार रहते हुए नजर आए। वहीं सिरसा में सरसों 4891 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकती हुई नजर आई। यदि हम चलते हैं मध्य प्रदेश के बाजारों की ओर तो मध्य प्रदेश में 4900 अशोकनगर 4900 तक ही ग्वालियर बिकती हुई नजर आई है। 4925-50 में निम्मच और मंदसौर के बाजार कामकाज करते हुए नजर आए हैं। यदि हम अब बात करें प्लांटों के भाव की तो प्लांटों के भाव में आगरा शारदा आगरा 5650 बीपी आगरा भी 5650 रुपए के बाजार रहे। अडानी अलवर 5325 बूंदी 5275 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकती हुई नजर आई है। और अभी कुछ एक ग्रुपों में खबर है कि सलोनी ने 50 रुपए तेज किए हैं। बाकी जो पुराने भाव मैं आपको दे देता हूँ, सलोनी कोटा पुरानी सरसों और नई सरसों 5600, सलोनी अलवर पुरानी सरसों 5800 नई सरसों 5700 और सलोनी आगरा पुरानी सरसों 5800 और नई सरसों 5700 रुपए के ऊपर रहती हुई नजर आई है। तो ये स्थिति आज के दिन सरसों के भाव में देखने को मिली है।